राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने अजमेर की राजनीतिक गतिविधियों में चल रहे मतभेदों और मेयर के चुनाव में हुए मनभेदों को दूर करने के लिए नगर निगम के मेयर धर्मेंद्र गहलोत और पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत दोनों को कहा कि आज से पहले जो हुआ उसे भूल जाओ और अब आज से ही नए तरीके से अपने जीवन में बदलाव करके दोनों एक हो जाओ और जनता की भलाई करने का बीड़ा उठाओ। महाराज के आदेश पर दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और गले मिलकर बाबा भैरव के आदेश को स्वीकार किया। सेकंड वाले के लिए मैं लेकर आया या नीचे चौकी लग रही थी, मैं गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव देवनानी जी को बत्ती मिल जाए लाल बत्ती, तो जैसे सिगरेट पी रहे थे तो सिगरेट बताइए कि कलर बता, तो मैं कह तो सिगरेट है, तो क्या सिगरेट नहीं कलर बता, तो मैं कह नीचे सफ़ेद और ऊपर लाल है, कह जाती तेरे को बत्ती, तो मैं सोचा देवनानी जी के लिए मांगी, देवनानी जी के लिए देती, हमने झोंक दिया चले गए, 15 दिन बाद देवनानी जी को लाल बत्ती मिल गई, वो मंत्री बन गए। जाकर 2008 में मैं सभापति था उस समय, पिछले 10 वर्ष में, तो सभापति की बत्ती लगती नहीं है, मेयर के बत्ती लगती लाल बत्ती, तो मैंने कहा तो दी होगी देवनानी जी को, तो देवनानी जी को बत्ती लग गई, काम खत्म। किंतु 2008 में वसुंधरा जी ने कार्यक्रम शुरू किया कि हर संभाग स्तर पर 26 जनवरी 15 अगस्त मनाएंगे, तो पहली बार वो अजमेर में हुआ कार्यक्रम। अरे इका शॉट पकड़ दे क्यों मजबूत है कन, तो करंट इश्यू आयो, तो यो शॉट ले करंट आते है एकदम कौन तो दिखे कन और पत्ती निकल गई तो इसको नगर परिषद को निगम घोषित कर दिया, निगम घोषित होते ही प्रथम मेयर बन गया, प्रथम मेयर बनते लाल बत्ती लग गई, तो ऐसे चमत्कार एक नहीं ढेरों है। जो इस धाम में आता है कुछ ना कुछ लेकर तो जाता ही है, और खाली हाथ आता है लेकर जाता है। मैं कई समय से पहले भी आ रहा था, बीच में कुछ समय नहीं आ पाया था, फिर दोबारा से वापस आना चालू हुआ। मैंने यहाँ पर जो भी चीजें धर्मेंद्र भाई ने बता दी कि क्या क्या यहाँ पर चमत्कार हुए, और चमत्कार जब होते हैं तभी आपने देखा होगा कि 25-30 हजार के लोग यहाँ पर भीड़ हर संडे को लगती है, और लोग जो भी मनोकामना लेकर आते हैं अगर बाबा साहब के पास नहीं, बाबा साहब के पास नहीं भी पहुंच पाते, स्तंभ के भी परिक्रमा लगा लेते हैं, तो उनका निश्चित तौर पर जो काम है वो पूरा होता है। रविवार मेले में राज्य बाल कल्याण अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा मनन चतुर्वेदी ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर गुरुदेव चंपालाल महाराज से आशीर्वाद लिया और बाबा भैरव से चिमटी प्राप्त की। इससे पूर्व भैरव धाम पर चल रहे कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति महाअभियान और जल स्वावलंबन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारा भी प्रयास रहेगा, हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा। बारह जनवरी 2017 को धाम पर विशेष चिमटी का वितरण व सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त दिवस पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बाबा भैरव व मां कालिका का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। रविवार मेले पर गुरुदेव चंपालाल महाराज ने आने वाले समस्त श्रद्धालुओं से कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। उन्होंने अतिथियों के साथ आए हुए लाखों श्रद्धालुओं से अपने दोनों हाथ ऊपर उठवाकर कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संकल्प दिलाया। गुरुदेव ने बताया कि राजगढ़ भैरव धाम आस्था व विश्वास का ही केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को समाप्त करने का भी देवस्थान है। गुरुदेव श्री ने समस्त श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए समझाया और बताया कि नशा ही नाश का कारण है एवं नशा ही विनाश की जड़ है। बेटी को सबसे पहले तो हमने खुद कमजोर स्वीकार किया, जो कि झूठ है, जो कि असत्य है, जो जननी है, जो पुरुषों की जन्मात्री है, जिसने जन्म दिया समाज को, जो जननी है वो कमजोर हो ही नहीं सकती।
तो हम ऐसे असत्य को स्वीकार करना सबसे पहले छोड़े तो फिर सत्य की शुरुआत हो सकती है। अगर हम अपना घर आंगन साफ करते हैं तो पहले गंदगी हटाते हैं तभी घर साफ होता है। तो हमारी ये विचारधारा जो हमने स्वयं ने पाली है कि हम कमजोर हैं, जब तक महिला इस चीज को नहीं हटाएगी तब तक ये स्थिति बदल नहीं पाएगी। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये भाव जागृत कीजिए कि हम सशक्त हैं, हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर हैं, हम जननी हैं, हम जन्मात्री हैं और हम ही के अंदर जगदम्बा के सारे रूप विराजमान हैं। जरूरत है उसको निकालने की, उसको महसूस करने की, उसको पहचानने की। मेडिकल कॉलेज अजमेर के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र गोखरू ने भी गुरुदेव चंपालाल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा भैरव के आशीर्वाद और गुरुदेव चंपालाल महाराज की प्रेरणा से ही वे मरीजों का इलाज व सेवा करते हैं। गुरुदेव ने डॉक्टर गोखरू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राजगढ़ भैरवधाम की कृपा से अजमेर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीजों के लिए रक्त की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। भैरव भक्त मंडल के सदस्य रक्तदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और रहेंगे। सुकून मिलता है और सोचते रहता हूँ पहुंचते पहले मेरा काम पूरा हो जाता है। मैं स्वार्थी हूँ, बाबा की ऐसी कृपा है और शायद यही कारण है कि बिना बुलाए मैं सुबह दोपहर तक बनाता चले जाता हूँ। गुरु जी कहते हैं बड़ा देर हो आ रहे हो तो एक बाबा ने बुलाया है, मैं सोचता हूँ आप सब यहाँ बना रहे हैं तो आप सब यहाँ आए नहीं, बाबा ने बुलाया है, इस भाग्य आपको मिला है। अब जो आज सोच के जाएंगे बाबा आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण। महिला चिकित्सा विशेषज्ञ भारत विकास परिषद की मध्य प्रांत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर कमला गोखरू ने श्रद्धालुओं से कहा कि बेटी बचाने का दायित्व तो हम सबका है। रविवार मेले में कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता ही जा रहा है जो आश्चर्यचकित करने वाला है। श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण श्रद्धालुओं को बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। देश प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए श्रद्धालु शनिवार से ही राजगढ़ धाम पर आना शुरू हो जाते हैं।